नमस्कार, एसपीएन 9 न्यूज में आपका स्वागत है। हरियाणा में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। आगामी 90 दिनों में हरियाणा में विधानसभा के चुनाव होने हैं। ऐसे में कांग्रेस पार्टी से भारतीय जनता पार्टी का दामन थामने वाली किरण चौधरी को लेकर के फिर से ये कयासबाजियां तेज हो रही हैं कि आने वाले वक्त में कांग्रेस पार्टी के अंदर फिर से किरण चौधरी वापसी करती हुई नजर आ सकती हैं। लिहाजा दीपेंद्र सिंह हुड्डा, जो कि रोहतक से सांसद हैं, इन दिनों हरियाणा में हरियाणा मांगे हिसाब नामक कार्यक्रम के जरिए आम लोगों तक जुड़ने का प्रयास करते हुए नजर आ रहे हैं। इस बीच हिसार पहुंचे दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने बड़ा दावा करते हुए कहा कि चौधरी बंसीलाल, जो कि हरियाणा के विकास पुरुष के रूप में जाने जाते रहे हैं, उनके काम को कभी भी कांग्रेस पार्टी ने या उनके परिवार को सियासी रूप से दरकिनार नहीं किया। आज चौधरी बंसीलाल का अस्तित्व और उनकी विचारधारा खतरे में है। ऐसे में किरण चौधरी की वापसी को लेकर के दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि उनका निजी फैसला था कि वे भारतीय जनता पार्टी में चली गई, लेकिन कांग्रेस पार्टी में मौजूद रहते उनको तमाम मान सम्मान दिया गया और इसी आधार के ऊपर प्रदेश में आने वाले वक्त में यदि फिर से वे वापसी करती हैं और हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनने पर उनको पूरा मान सम्मान दिया जाएगा। किरण चौधरी लोकसभा की टिकट कटने के बाद कांग्रेस हाईकमान से नाराज नजर आई। आपको बता दें कि भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट से किरण चौधरी की बेटी श्रुति चौधरी ने 2019 और 2014 के लोकसभा चुनाव में करारी हार का सामना किया। इसके बाद 2024 के लोकसभा चुनाव में राव दान सिंह, जो कि महेंद्रगढ़ से विधायक हैं, उनको लोकसभा का प्रत्याशी बनाया गया। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने इस सीट पर कब्जा कर लिया, लेकिन अब देखना ये होगा कि क्या वाकई में एक बार फिर से अपनी बेटी श्रुति चौधरी के साथ किरण चौधरी कांग्रेस पार्टी में वापसी करती हुई नजर आती हैं, क्या वाकई में सियासी आधार को मजबूत करने के लिए लड़ाई लड़ती हुई नजर आती हैं, और क्या वाकई में आने वाले वक्त में हरियाणा में सत्ता का तख्ता पलट होने जा रहा है, क्योंकि तमाम चुनावी सर्वे के मुताबिक हरियाणा में 45 से 50 सीटों तक कांग्रेस पार्टी की काफ़ी मजबूती दिखाई जा रही है और ऐसे में हुड्डा कहीं ना कहीं आत्मविश्वास से लबरेज नजर आ रहे हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए एसपीएन 9 न्यूज़।